बिग बॉस ओटीटी से फेमस हुए मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का पीछा कंट्रोवर्सी तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। एल्विश यादव के खिलाफ एक केस खत्म नहीं होता है कि दूसरा पहले ही दर्ज हो जाता है। हाल ही में खबर सामने आई है कि एल्विश यादव पर अब ईडी शिकंजा कसने की तैयारियां कर रही है। जी हाँ, और साथ में ये भी सामने आया है कि जल्द ही एल्विश यादव से पूछताछ करने वाले हैं और साथ ही यूट्यूबर के पास मौजूद महंगी कारों के काफिलों के बारे में भी जांच की जा सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव समेत अन्य पर नंबर में नोएडा में सांप जहर मामले में दर्ज FIR के बेस पर ईडी ने पूछताछ की थी। पूछताछ के लिए एल्विश यादव को ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी यानी कि लखनऊ की यूनिट PMLA के तहत मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सांपों के जहर बेचकर मिले पैसों को लेकर अब ईडी एल्विश यादव को समन भेजने की तैयारी कर रहा है। एल्विश यादव का नए मामले पर किसी तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव के अलावा सांप जहर मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी ईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि बीते साल नवम्बर में एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद एल्विश यादव समेत अन्य को 17 मार्च 2024 को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया। फिलहाल एल्विश यादव जमानत पर बाहर हैं। ऐसी ही तमाम और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट।